नमस्कार, उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर केपी या भृगु नंदी नाड़ी का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं लगा रहा। एक प्योर अगर हम देखते हैं जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हाँ ये अलग बात है कि दशा सिस्टम हम विषुवत्री से देखेंगे, कालचक्र से देखेंगे या योगिनी दशा से देखेंगे, लेकिन मैं इस चार्ट में प्रेडिक्शन के लिए बेसिकली त्रिभागी दशा का यूज कर रहा हूँ। तो ये चीजें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर की हैं, और क्योंकि मेरा एक कोर्स चल रहा है उस वेब में मैं अपने कोर्स की वीडियो तो यहाँ डाल नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ जैसे मैं स्लाइड्स बनाता हूँ और लोगों को उसके बारे में बताता हूँ कैसे आप अपने चार्ट पे या किसी और सेलिब्रिटी के चार्ट पे आप लगा के इवेंट्स को मैच कर सकते। आजकल ये एक हॉट डिबेट चल रहा है कि अभी जैसे कौन कप्तान बनेगा इंडियन क्रिकेट टीम का, या वही कंटिन्यू रहेगा। हम उस पे कोई नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली एक चीज बता रहा हूँ कि ये एक प्लेयर है, इमेज भी हमने बैक साइड रखा है, लेकिन चार्ट से आप स्टाइल से समझ सकते हैं। इस चार्ट की ट्रांजिट के हिसाब से जो इस जातक को नेम फेम, जिसको बुध आदित्य योग आप कह सकते हैं, उस बुध आदित्य योग के एक्टिवेट होने के यहाँ पर बहुत प्रबल चांसेस बने हुए हैं। हाँ, ये जो बुध आदित्य योग है, जो बुध आदित्य योग जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। फ्रॉम नो वेयर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। चाहे दशा किसी भी प्लैनेट्स की चल रही हो, उसको बाद में देखेंगे दशा से कोरिलेट करने के लिए, लेकिन पहले आपको चार्ट में एक प्रोबेबिलिटी नजर आनी चाहिए। अगर आप वैदिक ज्योतिष को अच्छे से या ज्योतिष के किसी भी फॉर्म को अच्छे से बगैर रट्टा मारे आप उसको समझना चाहते हैं और किसी भी चार्ट को देखें, पहले अगर आप चार्ट में कोई संभावना निकाल के देख सकते हैं, इस चार्ट के अंदर दो संभावना बहुत मजबूती के साथ मिल रही है। पहली संभावना जो मजबूती के साथ इस जातक के चार्ट में है वो है बुध आदित्य योग, यानी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि ये बुध आदित्य योग बना हुआ है, वो एकादश भाव में बना हुआ है, लाभ के भाव में बना हुआ है। इनको चाहे कहीं से सोशल मीडिया से मिले, खेल से मिले, या आप कह सकते हैं बॉस का सहयोग मिले, या छोटे यानी छोटे मतलब जो इनसे उम्र में छोटे हैं उनका सहयोग मिले, इनको वो क्रिएट अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कहीं से भी इनको धन मिलने के मल्टीपल सोर्सेस के अपने आप ही जनरेशन होती रहेगी। हर चार्ट में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ बुरी चीजें होती हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ दो चीज अच्छी को पकड़ा कि इनको एक मल्टीपल जो इनकी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी लाइफ में, एक मल्टीपल सोर्स से इनको धन मिलता रहेगा। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बुध आदित्य योग से मिल रही है, और जो धन आ रहा है वो मंगल और जो चंद्र के सम सप्तक हो या एक साथ बैठे हों वो दोनों जगह वहां पर दे सकता है। तो इन्हीं दो को बात करते हुए, लेकिन अब देखेंगे शनि जो है वो कुंभ राशि से या अक्वेरियस राशि से आप कह सकते हैं वो ट्रांजिट कर रहा है, और जो जुपिटर है वो एरी साइन से ट्रांजिट कर रहा है, जो केतु है वो आप कह सकते हैं कि नवंबर के लास्ट तक या नवंबर के किसी डेट तक वो सेवंथ राशि में यानी लिब्रा से ट्रांजिट कर रहा है। ये ट्रांजिट होने से पहले, केतु की पोजीशन चेंज होने से पहले या उसके विद इन कुछ टाइम पीरियड के प्लस माइनस इस जातक की कुंडली में संतान प्राप्ति का योग भी है। संतान प्राप्ति से हमारा यहाँ पर मतलब जो है वो पुत्र से, क्योंकि वो सूर्य से संबंध बना रहा है। लेकिन क्योंकि इस दौरान, इस पीरियड के दौरान जो मैं आपको ये टाइम पीरियड बोल रहा हूं, यहाँ पर जो गुरु है वो वक्री हो रहा है, और गुरु वक्री होने से संतान के जो पुत्र से या
कह सकते हैं लिंग से पुत्री से उन दोनों में एक डिबेट रहेगा। लेकिन फाइनली क्या मिलेगा मैं ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक फैमिली मेंबर का एडिशन यहाँ पर होगा, क्योंकि ये सब चीजें ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बताया जा सकता। लेकिन आप ये मान के चलिए संतान उपलब्धि का योग है, अगर वो योग है, अगर ये चाहेंगे तो संतान मिलेगी, अगर नहीं चाहेंगे तो हम थोड़ा ना कहीं से संतान ला के दे देंगे या ऐसी बात करके। लेकिन जब अगर टाइमिंग आता है, और मैंने ये देखा है जब प्लैनेट्स का जुपिटर सैटर्न और केतु का जब भी इंपैक्ट किसी ग्रह के साथ बनता है तो रिचुअल्स वाली पॉजिटिव इवेंट्स बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पर मेरी पहली प्रिडिक्शन यही है, और आज जो मैं आपको ये प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, आज 21 जून है, 21 जून और आप कह सकते हैं 21 दिसंबर दो बहुत अच्छे दिन होते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो मैं इस मौके पर अपने YouTube चैनल पर जो आने वाले लोग हैं, जो कुछ लोग मेरी एस्ट्रोलॉजी सिखाने के तरीके से या बताने के तरीके से इन्फ्लुएंस हैं, उनके लिए मैंने ये चीज बताई। दूसरी बात यह है कि बुध आदित्य योग राज सम्मान खोई हुई चीज या किसी ने आपसे कोई छीन ली है पहले किसी सरकमस्टांसेस से आपसे वो चली गई, उसको जब ये बुध आदित्य योग एक्टिवेट होता है उसको भी वापिस दिलाता है। तो अगर मान लो इनकी कप्तानी गई या इनका कोई डील गया एंडोर्समेंट का, तो नेम फेम प्राप्ति के वापिस योग बनेंगे। ये इनके चार्ट की गोचर के हिसाब से मैंने प्रेडिक्शन दी है। लेकिन इसी चीज को एंडोर्स करते हुए मैंने यहाँ पर त्रिभागी दशा को यूज किया है, क्योंकि चार्ट की प्रोजेक्शन है, दूसरा गोचर समय बता रहा है, लेकिन जब गोचर का समय भी दशा से मैच करेगा तभी उसको वो जाके इवेंट मिलेगी। तो त्रिभागी महादशा के हिसाब से, क्योंकि शुक्र की महादशा इनकी 18/8/2021 से लेके 28/9/2022 तक गई, त्रिभागी दशा में मैंने देखा है शुक्र में शुक्र का पीरियड या तकरीबन सभी महादशाओं में महादशा का पीरियड अच्छा नहीं जाता। उसके बाद से लाइफ थोड़ा पॉजिटिव वे में चेंज होना शुरू कर देती है। तो फाइनली जब इनका जो अभी ये पीरियड चल रहा है जो शुक्र के अंदर, आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं वो चंद्र का बना, शुक्र और चंद्र दोनों साथ ही बैठे, जब वीनस में वीनस की दशा चल रही थी तब चंद्र चंद्र एक चीटिंग का कारक भी है, एक बदलाव का कारक भी है। कभी भी आपके जीवन में कभी धोखा होगा तो बगैर चंद्र की इन्वॉल्वमेंट के नहीं, या आपसे कोई चीज जाएगी तो चंद्र की इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं। तब वीनस में वीनस का पीरियड चल रहा था तो चंद्र फुल्ली एक्टिव, लेकिन अब जब वीनस में मून का पीरियड आया है तो वापिस वीनस को रिजल्ट दे, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, आप देखेंगे भी पहले भी अगर आपने कोई वीडियो देखी है ध्यान से, कि जो महादशा है वो बाउंड्री बनाती है, क्या आप इस बाउंड्री के अंदर ये खेल खेल सकते हो, लेकिन जो उस खेल के अंदर कौन सा खेल खेलना है वो, या उसका रिजल्ट किस प्रकार का आ सकता है वो अंतर दशा में बहुत मजबूती से यहाँ पर दिखता है। और ये जब दोनों प्लेनेट एक्टिवेट होंगे वीनस मून और ये बैठे में बुध के साइन में जो कि वो जाके बैठा हुआ है फिर सन के साथ, तो जब ये दोनों बहुत भरपूर रूप से जो बुध आदित्य योग का जो एक्टिवेशन है, ये पीरियड जो था इनका 27/1/2023 से लेके 18/8/2023 के बीच में होना था, जो जो इन्होंने प्लानिंग करनी थी, जो जो इनका जो भी कार्य से संबंधित घर से संबंधित जो इवेंट होनी थी वो सब इन्होंने प्लान की है। अब क्या प्लानिंग चल रहा है मैं कोई बहुत बड़ी विशेष रूप की बना के इस वीडियो को हाइप नहीं करना चाहता, ये सिर्फ मेरे एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो मैंने सीखा है उसका कुछ हिस्सा जो मेरे
कोर्स में नहीं आना चाहते, जो किसी और से डेडिकेटेड है, वो औरों के साथ ही जुड़ के रहना चाहते हैं, या उनको मेरा पढ़ाने का अच्छा तरीका नहीं लगता लेकिन फिर भी चैनल पे वीडियो देखते हैं, या कुछ लोग ऐसे जो रियली में एस्ट्रोलॉजी को एक अलग दृष्टिकोण से, निष्पक्ष भाव से, शुद्ध जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसको देखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये प्रिडिक्शन बताई है। तो जय श्री राम, देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी अपने दोस्तों में आगे फॉरवर्ड कीजिए। एक बार फिर जय श्री राम, राम राम।